हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है, आज फ्राइडे है और अभी बज रहे हैं सुबह का 9:20 हो रही है। अंजलि यहाँ पर उठ चुकी है और मेरे नेल पॉलिश के साथ अभी खेल रही है, क्योंकि उठने के टाइम पर ना उसको फ्रेश करने के लिए कुछ इस तरह से चीज़ें अगर मैं दे देती हूँ तो उसका जो मूड है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और उसने कल क्या हुआ था, कल मैं उसको लिपस्टिक का डब्बा दे दी थी तो एक लिपस्टिक को उसने ब्रेक कर दिया मेरा, तो इस तरह से उंगली डाल दिया तो अंदर, तो थोड़ा सा मैस हो गया है वो लिपस्टिक। बट आज मैंने सोचा कि अभी तो मैं कभी भी लिपस्टिक नहीं दूंगी, तो इसलिए नेल पॉलिश का डब्बा लेके बैठी है, क्योंकि नेल पॉलिश जो है नहीं खुलती है। और एक्चुअली मेरे पास ना बहुत सारे नेल पॉलिश हो गई है, बट मैं नहीं लगा पाती हूँ, टाइम की कमी की वजह से बहुत सारे नेल पॉलिश हो गई है। बहुत सारे बॉक्स में मुझे नेल पॉलिश मिलता है, बहुत ही अच्छा अच्छा कलर भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज अगर टाइम निकालूंगी तो थोड़ा बहुत मैं नेल पॉलिश अप्लाई करूंगी। और किचन का सारा मेरा काम खत्म हो चुकी है तो इसलिए थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ही बर्तन है, जैसे कि छोटा मोटा जो बर्तन होता है ना सुबह के टाइम पर, कल मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, बट आज जैसे कि दूध का बर्तन और ब्रेकफास्ट का बर्तन, दो तीन लंच का बर्तन इस तरह से पड़ा हुआ है। लंच ऑलमोस्ट कंप्लीट है और आज मैं लंच बॉक्स पे बनाई थी, प्लेन राइस था, साथ ही साथ टमाटर की चटनी था और परवल आलू की भाजा था, भाजा उसको बोलते हैं ना, भाजा था, खर्च करा है भाजा था। तो ये लंच बॉक्स में था, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट में था सैंडविच, बट ब्रेकफास्ट मैंने अभी तक नहीं किया है, हस्बैंड खा के चले गए ऑफिस। और एंजल का भी लंच बन गई है, ब्रेकफास्ट भी बन गई है, ब्रेकफास्ट यहाँ पर ही फैन के नीचे ठंडा हो रही है। तो ये सब मेरा काम, ऑलमोस्ट किचन का सारा काम खत्म हो चुकी है। बर्तन अगर मैं साफ कर दूं तो खत्म हो जाता है, किचन का काम सारा खत्म हो जाएगा। बट आज मुझे किचन में थोड़ा बहुत बिजी रहना पड़ेगा, जैसे कि कुछ मेरे मन में थोड़ा बहुत आइडिया है, कुछ स्नैक्स वगैरह बनाऊंगी, कुछ मिठाई वगैरह बनाऊंगी और इसके लिए होममेड सलेक भी मुझे बनाना है और ये सब काम है मुझे। गुड मॉर्निंग। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाइज, नो पापा, ओपन योर माउथ। अभी ठीक से नहीं बोल रही है, बट कल रात को क्या हुआ था, जॉनी जॉनी यस पापा, यस बोल नहीं पाती है ठीक से, इस तरह से होती है। और नो को नो अच्छे तरह से बोल देती है, नो पापा, और फिर ओपन योर माउथ, हा हा हा। फादर फिंगर वेर आर यू, रॉकी की कहा, फादर फिंगर वेर आर यू। बहुत कुछ राइम्स भी सीख गई है अभी और अच्छा लग रहा है। कल हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत इसको अभी सिखाना बाकी है और पहचान जाती है ब्लू कलर कौन सा है। मैं इसको पूरा पीठ पीछे ना, कैमरा के पीछे इसको ही टाइम देती हूँ, तो इसकी वजह से अभी थोड़ा थोड़ा उसको नॉलेज आ गई है कि ब्लू कलर कौन सा है। और येल्लो कलर पहचान जाती है, ब्लू कलर पहचान जाती है और पिंक कलर, ये तीनों कलर ही अभी वो अच्छे से पहचान जाती है, क्योंकि उसके लिए ना मैं कलर का पेंसिल लेके भी आई थी वेडनेसडे पर। हम लोग इधर ही पास में एक दुकान है, क्राफ्ट का शॉप है, बुक स्टोर है एक, तो उसमें से ही कलर लेके आई थी। और जो उसको रिटर्न गिफ्ट में मिला था, हाँ उसको रख दो, रिटर्न गिफ्ट में मिला था जो कलर, वो सब कहाँ कहाँ चली गई है, मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तो इसकी वजह से मैं पेंसिल लेके आई हूँ। पेंसिल जो क्या होता है ना कि टूट नहीं सकती है और कम भी प्राइस था, 11 रुपीज, 10 कलर को था 11 रुपीज, तो इसको इस तरह से मुझे अभी टाइम देना पड़ता है। और अभी जाऊंगी थोड़ा सा इसको ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पूजा वगैरह करूंगी, क्योंकि नहा के अभी जस्ट आई हूँ, तो इसकी वजह से बाल जो है थोड़ा बहुत मेरा गीला है, फ्रंट साइड जो बाल है। ओके, till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
to the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. अभी जो टाइम हो रही है वो है 12:30 और यहाँ पर फिर से घर का जो हालत है पूरी तरह से बुरी हो गई है और एंजल यहाँ पे मस्ती कर रही है, टीवी ऑन है और ये रही एंजल का आज का लंच जो कि कद्दू और गाजर का राइस है उसके साथ मसूर दाल। तो इसको मैं अभी इस तरह से हाथों में मैश कर देती हूँ, उसके बाद उसको खिलाऊंगी। अभी जो टाइम हो रही है वो है 2 बज रहे हैं दोपहर का और एंजल खा के सो गई है और अभी अभी मैंने जैसे आपको दिखाया कि ग्लामिगो बॉक्स आ गई है रिव्यू के लिए। तो इस बार जो बॉक्स है ना बहुत ज़्यादा प्रीटी है और इसमें लिखा है तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती नहीं। तो फ्रेंडशिप डे स्पेशल इन्होंने बनाया है ये बॉक्स को, काफ़ी प्रीटी है और इस बार जो प्रोडक्ट भी मिला है बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला प्रोडक्ट है। 2 फेस मास्क मुझे मिला है तो मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो को जल्दी से एडिट कर लूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा किचन का काम है वो आपके लिए सरप्राइज मैं आपको बाद में बताऊँगी और फिर मैं वीडियो को एडिट करने के बाद ग्लैमिगो का वीडियो भी रिव्यू के लिए बना दूँगी, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। तो जब तक एंजल सोती है मैं काम कर लूँगा। अभी जो बज रहे हैं 2:10 बज रहे हैं, ये एक्चुअली 10 मिनट्स फास्ट है और मैं आपको बताई थी कि बेबी के लिए मैंने सालिक बनाने वाली थी, होममेड सालिक जो होता है। तो मैं कल रात को क्या की थी ना, कल रात को सारी जो चीज़ें हैं वो जो होममेड सालिक है ना इसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है, जैसे कि ये है आलमंड और ये है काजू, इलायची और पिस्तासो भी है, किशमिश है जिसको आप रेजन्स बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट्स, आप इसमें वॉलनट्स भी डाल सकते हो और मैंने इसमें डाला है पोहा और इस तरह से जो फ्राइड किया हुआ चना दाल आता है ना उसको डाला है और अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया है। तो मैं अभी सारा काम ख़त्म होने के बाद इसका पाउडर बना के एक एयरटाइट कंटेनर में रख दूंगी। तो कल भी मैंने थोड़ा सा सालिक बनाया था और मैं दिखा देती हूँ सालिक, ये जो होममेड का सालिक का टेक्सचर होता है ना कुछ इस तरह से होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है बेबी के लिए, इस तरह से होता है। तो मैंने इसमें चना दाल डालती हूँ, आपको अगर बेबी को चना दाल पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और
सिर्फ पोहे के साथ भी ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो हो सके तो मैं मखाने को भी रोस्ट करके थोड़ा सा डालूंगी, तो देखते हैं कितना जल्दी मैं ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। ये रही मेरी अभी ड्राइंग रूम का हाल है, तो जल्दी से ये सारे मैं अभी एक बॉक्स के अंदर डाल के कोने में रख दूंगी। अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर चारकोल पील ऑफ मास्क, और ये मॉन्सॉफ का है। ये मेरे एक आई थिंक ग्लामिगो बॉक्स में मिला था 2-3 महीने पहले, तो अभी तक एंजल सो रही है और अभी टाइम हो रही है 4:30। तो मैं एक वीडियो को एडिट किया, फिर लंच किया, फिर बालकनी को जाकर थोड़ा बहुत गुलाब के पौधों का कट किया। तो ये सारे काम मैंने अब ऑलरेडी कर दिया है, तो मेरे पास और थोड़ा टाइम है, क्योंकि एंजल जब सो जाती है ना, मेरा टाइम मैं खुद करती हूँ, मीन्स मैं खुद को टाइम देती हूँ। तो मैं अभी पेन और नोटबुक लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यूट्यूब की वीडियो के लिए प्लान करना है। तो मैं हमेशा प्लान करती रहती हूँ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या दिखाना है, किस तरह से आपसे बात करना है, ये सब मैं पहले से ही प्लान करके रखती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा जो प्लानिंग था वो ख़त्म हो गई है। तो मैं अभी, कल भी सैटरडे है, सैटरडे पर मुझे क्या क्या करना है, तो ये सारा जो प्लानिंग होता है ना, मैं प्री प्लान करके रखती हूँ, तो मुझे काफ़ी इजी हो जाता है और सोचना भी नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ कि मैं रात को ही लंच प्रिपरेशन और डिनर प्रिपरेशन का जो नेक्स्ट डे वाला प्रिपरेशन है वो सारे करके सोती हूँ। तो इस तरह से ही मैं वीडियो के लिए भी टाइम निकाल के ये सारा पॉइंट नोट कर लेती हूँ, तो मुझे नेक्स्ट डे पर ईजी हो जाता है। तो मैं ये अभी काम करूँगी, उसके बाद एंजल फिर से उठ जाएगी, तो उसको खिला के फिर नीचे लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी जो है बारिश बंद हो गई है। अगर नीचे वो नहीं जाएगी तो फिर उसका रोना धोना चिचिड़ा ये सब चालू होगा, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा मेरा काम कर लेती हूँ। उसके बाद बर्तन भी मेरे पड़े हुए हैं सुबह का, तो वो सब क्लीन करना है। ज़्यादा बर्तन नहीं है, 4-5 बर्तन है ऑलमोस्ट, किचन तो क्लीन हो गई है। तो चलिए मैं कुछ पॉइंट नोट कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करूँ। बहुत टाइम हो गया है, अभी जो टाइम हो रही है वो है
शाम का बज रहे हैं 7:30। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ फिर से, क्योंकि मुझे वॉकिंग करना है। कल से मैंने वॉकिंग जो है अपना शुरू कर दिया है, तो उसकी वजह से कल लेक्चर में जिम गई थी, तो आज मैं सोचा कि वॉकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जिम में थोड़ा बहुत भीड़ है तो थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रही है। तो छोटा सा है ना, तो अगर 4-5 रह जाते हैं तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो अभी सिर्फ मैं वॉकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मौसम भी बहुत ही अच्छा होकर रखा है, साथ ही साथ जो हवा में बहुत ही जल्दी से चल रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ, और एंजल जो है घर में ही दूध पी रही है, तो उसको संभालेंगे। तो चलिए जल्दी से वॉकिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, और बाहर का जो नज़ारा है वो इस तरह से। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, क्योंकि नीचे जो है प्ले एरिया है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रही है, तो मैं आके लिफ्ट में। तो एक्चुअली आजकल मैं बहुत ज़्यादा आजकल शरारती करती है, के 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 कर देती है, तो इसलिए हस्बैंड भी उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो मुझे सारा दिन उसके साथ लगे रहना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला कि 15 मिनट्स के लिए उसको रखो, फिर मैं थोड़ा सा वॉकिंग करके आ जाती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं आदत पड़ जाता है ना, तो अगर मैं रख देती हूँ तो अच्छा नहीं है। तो चलिए जल्दी से करते हैं वॉकिंग। हेलो एवरीवन, तो वॉकिंग मेरा अभी चालू है, और मेरे साथ जो दो दीदी वॉकिंग कर रहे थे वो थोड़ा बहुत थक चुकी हैं, तो वो बैठ रही है, थोड़ा सा आराम कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बैठूंगी नहीं और एक राउंड मार देती हूँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कल मैंने जिम पे ना 45 मिनट्स की थी जिम, तो उसकी वजह से आज थोड़ा सा वॉकिंग करना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत ज़ोर से, इतना ज़ोर से हवा चल रही है ना, बहुत ज़ोर से चल रही है, और ये अपार्टमेंट का अराउंड 1 किलोमीटर होगा, तो ऑलरेडी मैं 3 राउंड कवर कर चुकी हूँ, और एक राउंड मारने के बाद मैं चली जाऊँगी घर, क्योंकि मुझे कुकिंग भी करना है। थकान तो लग रही है अभी, बारिश की वजह, सॉरी हवा की वजह से कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि हवा इतना ठंडी आ रही है ना, तो उसकी वजह से थकान भी महसूस हो रही है। और हमारा जो घर हम लोग जो बुक कर रहे हैं ना, ये साइड है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लॉक पे है हमारा घर, तो ये साइड होगा और बालकनी का साइड ये साइड होगा। यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग है, तो इसकी वजह से बहुत ज़ोर से हवा आती है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से चल लेती हूँ, क्योंकि मैं अगर बातें करके चलूँगी ना, बहुत ज़्यादा थकान और भी लग रहा है। हम लोग आ चुके हैं लॉन्ग ड्राइव पर, लॉन्ग ड्राइव तो नहीं, यहाँ पर हम लोग NH पे आ चुके हैं, क्योंकि कुछ खाने के लिए लेना था। एक्चुअली हस्बैंड आज मन किए कि बिरयानी खाना है, तो इसकी वजह से हम लोग आ चुके हैं, और मैं जिस ड्रेस में थी उसी ड्रेस में ही हम लोग आ गए हैं, क्योंकि ये लोग जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों घर में रुकूंगी, मैं भी थोड़ा बहुत बाहर घूम के आ जाऊंगी, और कार पे थोड़ा बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चलेगी, तो इसकी वजह से आ गई। और वो लोग गए हैं दुकान के अंदर, और मैं यहाँ पर गाड़ी पे ही हूँ, अंजल के साथ बैठी हूँ। तो आज का दिन जो था ना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत वॉकिंग मैंने की, फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा सा मिली, वीडियो वीडियो सब कुछ हो गया मेरा, और एक वीडियो बनाना था बट मैं बना नहीं पाई, जो ग्लैमिको का बॉक्स आया था ना उसका रिव्यू मुझे बनाना था, बट मैं उसका वीडियो कल बनाऊंगी। तो यहाँ पर ही हम लोग रास्ते पे हैं, ये देखिए, तो आज कुछ चिकन विकन खाने का मन किया तो उन हस्बैंड को, तो इसलिए मैंने बोला कि ठीक है तुम खाओ, मेरी भी थोड़ी सी छुट्टी हो गई है आज डिनर का, आज डिनर का प्लानिंग, बट मैंने कुछ बहुत सोच के रखा था कि मैं आज ये करूँगी वो करूँगी, वो सब फेल हो गया, तो कोई बात नहीं। कल आज तो मैं ऐसे भी भेज ही बनाने वाली थी, कल सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो कल वो सारा रूटीन मैं फॉलो करूंगी, जो भी रेसिपी वगैरह होगा तो कल की ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखते हैं हस्बैंड क्या लेके आते हैं। और एक एक्चुअली दुकान गए थे, उस दुकान पे ख़त्म हो गया था बिरयानी, अभी जो टाइम हो रही है 9:15 हो रही है, तो इसकी वजह से
खत्म हो गई उस दुकान का बिरयानी। एक्चुअली वहाँ पर बिरयानी हम लोग खाए थे 2-3 हफ्ते पहले, बहुत बहुत ही अच्छा लगा था, तो इसलिए हम लोग जो सोचे कि उस दुकान से ले लेते हैं, बट वहाँ पर तो खत्म हो गया था। अभी ये एक दुकान है, लगता है तो ठीक ठाक दे रहा होगा, बट पता नहीं, खाने के बाद ही पता चलेगा। और ग्रिल जो है, हम लोग ऑलरेडी हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर एक्चुअली बिरयानी अच्छा नहीं लगता है, ग्रिल अच्छा लगता है, तो ग्रिल के लिए हम लोग वहाँ से ले लेंगे। फ़ोन करके ऑलरेडी ऑर्डर बुक कर दिए हैं, तो आज का डिनर बहुत ही यम्मी होने वाला है। तो चलिए मैं घर जाके आपसे दिखाती हूँ कि हम लोग क्या क्या खाने के लिए।